खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कॉलरशिप फर्जीवाड़ा, हिमाचल के बाद अन्य राज्यों से भी शिकायतें। पावटा साहिब हाईवे पर चलती गाड़ी में लगी आग, रुकी हुई ट्रेन के नीचे से पार कर रहा था पटरी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 200 करोड़ रुपए से अधिक के स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके। हाल ही में छोटा शिमला थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब मामला सीबीआई के पास जाएगा। सोमवार देर रात नाहन के पास जुड़ा के जोहर से थोड़ा आगे पावटा साहिब हाईवे पर चलती गाड़ी में आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे ये पता नहीं चला, लेकिन कार से एक कंकाल मिला। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हैदराबाद में स्टेशन पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज के बजाय एक शख्स ने पटरी से प्लेटफॉर्म जाने का फैसला कर लिया, लेकिन पटरी पर मालगाड़ी खड़ी थी। वह मालगाड़ी के नीचे घुस गया और पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रेन चल पड़ी। तभी वह शख्स नीचे लेट गया और सांस थामे लेटे रहा। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।